Hello students, and I hope you are all well. And after the Diwali vacation, I am come with you with another topic of business law. The topic is preparation of memorandum of association and article of association. So in that particular session, I discuss with you two things: memorandum of association and article of association. After completing the incorporation of company, registered with company, so before that, the company filed with the registrar of the companies for the registration of a company, then you have to require two important documents. The main document is memorandum of association and article of association. These two documents are very important document and which must be prepared by the promoters and filled with the registrar of company and for the registration of the company. So that's why these two important documents are necessary. The first one is memorandum of association. So as you know, what is memorandum? So memorandum of association, basically this is the second step in the formation of company and is to prepare a document called the memorandum of association. So basically ek aisi step hai jahan par hum memorandum of association ko jo hai formation of company mein pehli jo hai aapko फॉर्म एप्लीकेशन होना है, दूसरा जो है आप अगर जाए तो फिर मेमोरेंडम आपको प्रिपेयर करना होता है. तो दिस डॉक्यूमेंट कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी. ये बेसिकली पूरी कंपनी की डिटेल जो है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी जो है इसको हम कह सकते हैं, वो इसमें होता है. और इट डिफाइन दैट एरियाज विद इन विच द कंपनी कैन ऑपरेट, द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड, एज वेल एज द बिजनेस दैट द कंपनी वुड अंडरटेक. तो इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी क्या ऑपरेट करेगी, किस तरह के बिजनेस करेगी, क्या एक्टिविटीज होंगी, ये सारी चीज़ें बिफोर फॉर्म जो है आपको कंपनी का प्रोवाइड करना होता है. तो मेमोरेंडम हैज टू बी डिवाइडेड इनटू फाइव क्लोज. द फर्स्ट वन इज नेम क्लोज. नेम क्लोज में क्या होता है, द फर्स्ट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम स्टेट दैट नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी. इसमें आपको सबसे पहले नेम क्लोज है तो एज नाम से दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले कंपनी को अपना नाम बताना पड़ेगा कि कंपनी किस नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट करती है. एंड द नेम इज़ वन विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी. नेम भी ऐसा होना चाहिए जो रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी से अप्रूव्ड होगा. और नेम ऑफ द कंपनी मस्ट ऑल्सो बी पेंटेड आउटसाइड एवरी प्लेस वेयर द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस एंड मस्ट बी प्रिंटेड ऑन एवरी बिजनेस डॉक्यूमेंट एन ऑफिशियल लेटर ऑफ द कंपनी. तो इसमें कंपनी को जो नेम है वो अप्रूव कराने के बाद फिर उसको हर एक प्लेस पर उसको पेंटेड करना होगा कि ये हमारा कंपनी का नेम है, हर एक जगह जहाँ पर भी वो अपना बिजनेस करना चाहती है. इसके अलावा वो अपने हर एक डॉक्यूमेंट पे जो है बिजनेस कंपनी के नाम को प्रिंटेड करेगी. तो जिस तरीके से वो ऑफिशियल लेटर हो सकते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिनमें कंपनी के नाम होते हैं, तो ये नेम क्लूज में ये इस बात को ध्यान रखा जाता है. दूसरा क्लूज है इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लूज. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लूज का मतलब है कि जहाँ पर आप रहोगे वहाँ पर आपका जो ऑफिस होगा कंपनी का वो किस जगह सिचुएटेड है वो आपको बताना होगा. मीन्स मेमोरेंडम शैल मेंशन द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड. ये भी आपको स्टेटेड करना होगा कि किस जगह पर, किस पार्टिकुलर प्लेस पर आपका जो है ऑफिस है, पार्टिकुलर प्लेस और डिस्ट्रिक्ट एंड हेडक्वार्टर्स एंड स्टेट नेम एंड कंट्री एंड एक्सेट्रा. तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लूज में ये सब चीज़ें आ जाती हैं. तीसरा जो क्लूज होगा इसमें वो है ऑब्जेक्ट क्लूज. ऑब्जेक्ट क्लूज में क्या होता है कि द थर्ड क्लूज स्टेट दैट ऑब्जेक्ट विच द प्रपोज्ड कंपनी सेल परस्यू, है ना, किस पार्टिकुलर पर्पज के साथ प्रपोज करी जा रही है कंपनी क्या करना चाह रही है, तो उसको हमें यहाँ देखना होगा. कंपनी सेल परस्यू दिस क्लूज इन्फॉर्म द ऑब्जेक्ट्स एंड द बिजनेस इन विच द कंपनी सेल इन्वेस्ट इट्स मनी. तो पार्टिकुलरली ऑब्जेक्ट क्या है आपका, किस उद्देश्य से आप बिजनेस कर रहे हो और कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होंगी. द ऑब्जेक्ट्स क्लोज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब क्लोज, मेन क्लोज एंड अदर क्लोज. ऑब्जेक्ट में भी आपके दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा और अदर ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे. दिस सब क्लोज स्टेट द मेन ऑब्जेक्ट्स टू बी परस्यूड बाई द कंपनी एंड ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन ऑब्जेक्ट, है ना. तो ये मेन ऑब्जेक्ट में दो जो है आपके कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के उद्देश्य क्या है, किस पर्टिकुलर बिजनेस को लेके आप चलेंगे, तो ऐसे कुछ दो तीन चीज़ें आपको इसमें नोट करनी होती हैं. तो मेनली आपको मेन ऑब्जेक्ट्स दिखाने होते हैं.
अदर ऑब्जेक्ट्स में आपके एनी अदर ऑब्जेक्टिव विच आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट सब क्लोज, तो जो भी आपके है वो ऑब्जेक्टिव्स उनको इसको डिवाइड करके आप इसमें दिखा सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा जिसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्पज है आपके बिजनेस का, उन सब पर्पजेस को आप इसमें दिखाएंगे। मिशन विजन भी हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से। देन लायबिलिटी क्लोज आता है जो फोर्थ पॉइंट है। लायबिलिटी क्लोज में आपको क्या करना है कि द फोर्थ क्लोज स्टेट द नेचर ऑफ लायबिलिटी दैट द मेंबर इनकर्ड, है ना। तो जो जो मेंबर्स आपके पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े होंगे, जितने भी मेंबर्स आपके होंगे, उनकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, वो लायबिलिटी बाय शेयर्स होंगे या लिमिटेड बाय गारंटी है, या किस तरह की लायबिलिटी उनकी होगी। तो दिस क्लोज स्टेट वेदर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स शैल बी लिमिटेड और अनलिमिटेड, क्या जो या और गारंटी, क्या मेंबर्स जो है लिमिटेड लायबिलिटी के साथ आए हैं या अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ हैं, या लिमिटेड बाई शेयर हैं या लिमिटेड बाई गारंटी है, ये भी आपको डिस्क्लोज करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको लायबिलिटी क्लोज में दिखानी पड़ती हैं। देन फिफ्थ जो होगा इसमें कैपिटल क्लोज होगा। कैपिटल में आपको ये बताना होगा कि कितनी कैपिटल किस पर्टिकुलर मेंबर के द्वारा और टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है हमारा कितना आता है। द लास्ट क्लोज स्टेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड एंड द काइंड्स नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू विच द कैपिटल इज टू बी डिवाइडेड, है ना। तो जो कैपिटल आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कितनी कैपिटल होगी, कितने मेंबर्स ने क्या क्या कैपिटल लिए, टोटल कैपिटल कितनी है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, जो कैपिटल्स आपने डिवाइड की है, तो वो भी आपको पर नंबर ऑफ शेयर्स एंड वैल्यू पर शेयर भी आपको इसमें दिखाना होता है। तो इस तरीके से कैपिटल क्लोज आपका कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन जो है आपका सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो मेमोरेंडम कंक्लूड विद द सब्सक्राइबर्स and declaration that they desire to be formed into a company. फिर जितने भी memorandum है इसमें ये सब conclude करके ये हमें declaration दिया जाता है नीचे से कि जो भी है हम लोग एक company को form करने के लिए desired हैं, हमारी सबकी जो है इसको है। और memorandum must be subscribed by at least 7 persons, जो भी memorandum है वो कम से कम 7 लोगों के द्वारा इसमें इसको subscribe किया जाएगा in case the public company, एंड एटलीस्ट 2 persons इन केस द प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो केवल 2 लोग भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर पब्लिक कंपनी है तो इसको 7 persons को जो है इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड हु शैल साइन द मेमोरेंडम इन प्रेजेंस ऑफ एट द एटलीस्ट 1 witness, और कम से कम जो सब्सक्रिप्शन होगा उसमें एक एक विटनेस भी जो है आपका होना चाहिए जिनके सामने आप इसको साइन कर रहे हैं, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो बेसिकली मेमोरेंडम एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, और इसको बिफोर फॉर्मेशन यानी कि जो प्रमोटर्स होता है उसको तैयार करता है, और प्रमोटर्स जो है तैयार करके इसमें जो क्लोज है उनके हिसाब से, जैसे नेम क्लोज है, नेम है कंपनी का, नेम जो होगा वो क्या होगा, यूनिकनेस उसमें होनी चाहिए, दूसरे से कॉपी नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कंपनी जहाँ जहाँ बिजनेस करेगी वहाँ वहाँ उसको उन प्लेसेस पे पेंटेड करना होगा, और हर एक डॉक्यूमेंट पे उसको प्रिंट करना होगा ऑफिशियल लेटर्स वगैरह पे। दूसरा जो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होगा, जहाँ पर हम अपना ऑफिस बनाएंगे, जैसे हमने अपना पत्थरगढ़ में कोई अगर कंपनी खोल रहे तो कंपनी का नेम हो गया नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ हो गया, प्लेस पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ और स्टेट उत्तराखंड एंड इंडिया करके आप उसको लिखेंगे और पिन कोड के साथ, तो वो आपका एड्रेस हो जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, पर्टिकुलर रोड वगैरह भी आप इसमें देनी होगी, अगर लिंक रोड पर है तो लिंक रोड भी आप इसमें लिखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं जैसे कि आप जानते हैं। देन ऑब्जेक्ट क्लोज आता है। ऑब्जेक्ट क्लोज में ये आपको दिखाना होगा कि बिजनेस का पर्पज़ क्या है, आपके कंपनी के पर्पजेस क्या है, उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्य को लेकर आप इस पर्टिकुलर बिजनेस को कर रहे हैं। तो कंपनी शैल परस्यू द प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड दिस डिस्क्लोज इनफॉर्म द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस इन दैट फर्म एंड विच कंपनी शैल बी इन्वेस्टेड इट्स मनी। द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 categories एंड मेन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट, इसमें भी आपको दिखाना हो। फोर्थ पॉइंट था आपका लाइबिलिटी क्लोज में। तो लाइबिलिटी क्लोज बेसिकली ऐसा क्लोज है जहाँ पर आपको मेम्बर्स की जो लाइबिलिटीज है उसको प्रेजेंट करना होगा, यानी कि जो नेचर ऑफ लाइबिलिटी होगी जो भी मेम्बर्स उनके होते हैं उन मेम्बर्स की लाइबिलिटीज को, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी, या लिमिटेड बाई गारंटी या गारंटी या लिमिटेड बाई शेयर। तो ये आपको बताना पड़ेगा किस तरह की लाइबिलिटीज हैं सी मेंबर्स की, उन लाइबिलिटीज को और पार्टिकुलर किन मेंबर्स की क्या लाइबिलिटीज हैं। देन कैपिटल क्लोज आता है, लास्ट क्लोज है। इसमें कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको इसमें प्रेजेंट करना होगा विद विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी रजिस्टर्ड।
जिस पर्टिकुलर कैपिटल के साथ आप कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स आल्सो प्रेजेंटेड इन विच द कंपनी इज टू बी डिवाइडेड द कैपिटल। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, किन मेंबर्स के हैं और कितने वैल्यू है पर शेयर की, इस तरह की डिवाइडेड। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन करना जरूरी है मेमोरेंडम के बाद। इसमें पब्लिक कंपनी में 7 और प्राइवेट कंपनी में 2% 2% के द्वारा इसको सब्सक्राइब किया जाएगा। और इसमें कम से कम एक विटनेस होना जरूरी है जिसके सामने इसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका तैयार हो जाता है। नाउ आफ्टर दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरा पार्ट है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड एट द टाइम ऑफ इन्फॉर्मेशन और विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी एंड इट इज नोन एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच कंटेन द रेगुलेशन रिलेटिंग टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली ये रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन जो होंगे वो यहाँ पर आते हैं और कंपनी जो है फिर इस डॉक्यूमेंट्स में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इंटरनल मैनेजमेंट रिलेटेड उनको इसमें इन्वॉल्व करती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का और इसको भी कंपनी को फिर जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके और कंपनी को बताना होता है। तो इम्पोर्टेंट क्लॉजेस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट्स। द फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है और वेरिएशन ऑफ राइट्स क्या है, मीन्स हर एक जो शेयर्स हैं पार्टिकुलर मेंबर्स के द्वारा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनके राइट्स क्या हैं, वो वोटिंग राइट है कि नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होती है। लीन ऑफ कंपनी ऑन शेयर्स, कंपनी का जो कंपनी के शेयर्स हैं वो कितने है कंपनी रखेगी और किस तरह का राइट्स के होंगे। कॉल्स ऑन शेयर्स, कॉल्स कैसे की जाएंगी, एप्लीकेशन होगी, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या इस तरह के जो भी आपका जो है या एप्लीकेशन अलॉटमेंट और केबल कॉल हो जाएगी तो क्या प्रोसीजर होगा कॉल्स ऑन शेयर्स का। फोर्थ है शेयर सर्टिफिकेट आपका भी इश्यू करेंगे, किस तरह के प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर को आपको इसमें रूल्स को बताना होगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्या आपके शेयर्स जो है ट्रांसफरेबल होंगे या नहीं होंगे। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हैं यानी कि आप इसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं शेयर्स को, यानी कि एक शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में, इक्विटी को प्रेफरेंस में आप चेंज कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या होंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के रूल्स क्या होंगे, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, अगर आपको कन्वर्ट करना है अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में तो उसका रूल क्या नियम है। शेयर्स वारंट्स क्या होते हैं, कैसे इसको हम यूज करेंगे। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होगा, अगर हम अल्ट्रेशन करते हैं तो उसकी जगह क्या करेंगे। जनरल मीटिंग्स कब होंगी, कितने समय बाद होंगी, कितने मेंबर्स होंगे, क्या उसका जो है कोरम होगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। प्रोसीडिंग एट जनरल मीटिंग्स, प्रोसीडिंग्स कैसे की जाएगी, वोट्स बाय द मेंबर्स है ना, मेंबर्स के वोट्स का क्या काउंटिंग होगी, किस एक वोट से होगा या कितने मेंबर्स होंगे है ना, इस तरह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर पावर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे, इनकी पावर्स क्या होंगी, एंड प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो क्या होंगी। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं और इनको जो है आप बता सकते हैं। तो ये सब जो है टर्म्स हैं जिनको आपको मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखाना होगा। मैनेजर्स या सेक्रेटरीज कौन होंगे, उनकी पावर्स क्या होंगी है ना। सील, कॉमन सील आपको बनानी होगी कंपनी की, बिकॉज इट इज़ अ मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपनी एंड इट इज़ यूज एट एवरीवेयर एवरी डॉक्यूमेंट्स, तो सील आपको बतानी होगी। डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स, किस तरह का इनका डिविडेंड्स आप पे करेंगे, रिजर्व्स बनाएंगे तो कितने परसेंट रिजर्व्स होंगे, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे है ना, अकाउंटेंट्स को अपॉइंटमेंट करना है और उनकी क्या क्लैरिटी होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स होगा, प्रॉफिट जो अर्न करेंगे उसको कैपिटलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कितना करेंगे है ना। वाइंडिंग अप, कंपनी अगर बंद करनी पड़ी तो उसका क्या प्रोसीजर होगा है ना। इंडेमनिटीज क्या होंगी आपकी, उसके बाद वाइंडिंग अप के बाद क्या क्या प्रोसीजर है उनको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, 22 पॉइंट्स होते हैं इसमें और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है रिगार्डिंग द कंपनीज। तो आर्टिकल जो है बेसिकली इट कंस्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर and the members inter se defining their rights and duties and liabilities and are binding on all the members. तो सभी लोग इससे बंधे होते हैं और इस तरीके से ये internal regulation या laws जो है company के हम कह सकते हैं इससे related, इनको जो है article of association में दिखाया जाता है और बहुत ही important document होते हैं और इनको हमें prepare करना होता है और इनको फिर present करके
एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है हमें प्रोवाइड करना है। यूजुअली एवरी कंपनी हैज इट्स ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हर एक कंपनी अपने राइट्स जो है उनको होते हैं और वो जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार कर सकते हैं, लेकिन कई बार इफ एनी कंपनी डज नॉट हैव इट्स ऑन आर्टिकल विच इज़ नॉट कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर अ पब्लिक कंपनी, तो जैसे कि देखें पब्लिक कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना बहुत ज़रूरी नहीं है, है ना, और इसलिए कई बार हो सकता है कि कंपनी जो है इसको नहीं बनाती है। तो इसके लिए फिर टेबल ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट विल बी अप्लाई, तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल टेबल ए शेड्यूल फर्स्ट जो है आपकी अप्लाई हो जाती है। तो ए कंपनी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाई शेयर कैन देयरफॉर अडॉप्ट ऑल और एनी अदर रेगुलेशन कंटेन इन टेबल ए इन शेड्यूल फर्स्ट, तो कंपनी चाहे तो पब्लिक कंपनी खासतौर से चाहे तो वो जो लिमिटेड बाई शेयर्स है वो भी इसको अडॉप्ट कर सकती है और एनी रेगुलेशन टेबल ए इन शेड्यूल फर्स्ट को उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी मस्ट रजिस्टर इट्स ऑन आर्टिकल, लेकिन हर एक प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल बनाने होंगे और उन आर्टिकल्स के साथ ही वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोविजंस कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो प्रोविजंस कंटेंट इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, है ना, लेकिन जो भी प्रोविजंस हम आर्टिकल में बना रहे हैं वो सब कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए कंपनी एक्ट के साथ। जनरली वही जो आर्टिकल्स में हम रखेंगे प्रोविजंस को वही प्रोविजन होंगे जो कंपनी एक्ट में होते हैं, उससे बाहर के प्रोविजंस आप अपने तरीके से इसको नहीं रख सकते। तो दोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी शुड दे एनलार्ज स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, है ना, तो जनरली जो मेमोरेंडम में आपने एक बार फिक्स कर दिया फिर उसी तरीके उसी के आधार पर आपको सारी चीज़ें आगे भी करनी होती है। द आर्टिकल ऑफ गारंटी कंपनी और एन अनलिमिटेड कंपनी शैल बी इन एनी वन ऑफ द फॉर्म्स कंटेंड इन टेबल सी, आर्टिकल ऑफ गारंटी कंपनी जो है और एनी अनलिमिटेड कंपनी शैल बी इन वन ऑफ द फॉर्म कंटेंड इन टेबल सी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर किसी के पास कैपिटल शेयर कैपिटल नहीं है तो ऐसी कंपनी जो है फिर वो टेबल सी से अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेती है जो अनलिमिटेड कंपनीज होती है। एंड टेबल डी गारंटी कंपनी हैव ए शेयर कैपिटल, और टेबल डी जो है वो कंपनी ऐसी कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है बट गारंटीड बाई शेयर है तो उसको वो टेबल डी जो है यूज करेगी, एंड टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी के टेबल ई शेड्यूल फर्स्ट ऑफ एक्ट जो है वो यूज करेगी। तो इस तरह के अलग अलग तरीके चीज़ें हैं जो हम बात कर रहे थे कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसकी जगह हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर्म एज नियर इन टू एज द सर्कमस्टेंसेस में एडमिटेड, देन वेटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की अगर हम बात करें प्रिंटिंग स्टैम्पिंग एंड साइनिंग ऑफ द सेम बिफोर गेटिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी प्रिंटेड, इट इज विजुअल फॉर द प्रमोटर्स टू अप्रोच द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी कंसर्न विद वेटिंग द ड्राफ्ट and memorandum and article, and it has been clarified by all departments of company affairs, and through and it may not be possible for the registrar to make definite commitment and in this regard they may be offer and their help to advise to those who may approach them in drawing up the memorandum and article. So ये देखना पड़ेगा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं फाइनल प्रिंटिंग से पहले सभी डिपार्टमेंट्स एंड सभी कंपनी अफेयर्स उसको रीड आउट करेंगे, कोई भी एक करेक्शन है कुछ है तो उसको चेंज कर सकते हैं और बिफोर प्रेजेंटिंग इन द फ्रंट ऑफ रजिस्ट्रार तो ये इसको चेंज देख सकते हैं। दिस वुड बी स्पेशली डिजायरेबल इन केस ऑफ वेयर प्रोमोटर्स हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस, तो ये अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसिस नहीं है प्रोमोटर्स को तो उनको ये काम कर लेना चाहिए बिफोर द company formation for vetting and the memorandum and article no fee need to be paid to by the promoters, है ना, तो वेटिंग के लिए किसी तरह की कोई भी जो है फी इसमें पे नहीं की जाती है। तो प्रमोटर में मेक अ रिटन रिक्वेस्ट ऑन प्लेन पेपर इनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एंड आफ्टर द वेटिंग द रजिस्ट्रार मेमोरेंडम एंड आर्टिकल मे बी मे गॉट बी प्रिंटेड, और उसके बाद फिर आप उसको प्रिंटेड कर सकते हैं जब रजिस्ट्रार की इसमें कोई कंसर्न आपको मिल जाएगी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल मस्ट बी डिवाइड इन टू पैराग्राफ्स, इनको पैराग्राफ्स में आप डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि एक कंटिन्यूसली लिखते चले गए, हर एक पॉइंट को अलग अलग इसमें डिफाइन करना होता है एंड नंबर्ड कंसिक्वेंटली, उसमें नंबर भी दे शुड बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू स्टैम्प एक्ट ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। एवरी मेमोरेंडम शुड बी साइन बाई ईच सब्सक्राइबर एंड shall also add this address and describe the occupations by if any in the presence of at least one witness and who shall attest signature
all and kinds likewise and other address description occupation etc. तो memorandum जो है वो और जो भी subscribe करना है तो उसको पहले आपको sign करने होंगे तो present in presence of any witness at least one witness होना चाहिए तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ करनी होंगी तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं then article of association should be signed separately by a subscriber और इसको भी फिर article of association को भी subscribers को जो है आपको separately sign करना होगा और the signature of the subscriber on the article of association are also be attested by the witness ये भी witness के सामने करने होंगे however it does not necessary on the that the subscriber should sign in the memorandum article and agent may be sign memorandum and on behalf of subscriber तो एक्सेट्रा तो ये सब चीजें हैं आपके लिए तो इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से मेमोरेंडम और जो है